हेलो हेलो। हाँ जी, की हाल चाल दोस्तों? तो ठीक ठाक जो? हाँ जी, आ जाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बाबा अरुणाय मंदिर। नहीं अरुणाय का है, नहीं वो अरुणाय का फेमस महादेव का सामेश्वर मंदिर ऐसा कुछ है। वो हरियाणा में बहुत फेमस है, मतलब वो पेवा के पास एक गांव है अरुणाय। सो अरुणाय मंदिर के नाम से ही उन्हें बहुत लोग जाना। सो भाई आ चुके अपने पास शाबाद ते। सो खाना पीना कर कापा चलती है। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी बजा रहे हैं अपने, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल तो क्या था, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी ले चला। सो इस टाइम टाइम हो रहा है 3:40 पर हम यहाँ से चल दिए। वहाँ से शाम ने आरती भी, और सोमवार ने न्यू नहीं गए कि सोमवार ने बहुत भीड़ हो वहाँ से, ठीक है। और एक वो आवा, एक प्रॉपर दिन हुआ मेरे भी याद नहीं रहा क्या कहाँ, उस दिन भी बहुत भीड़ हुआ वहाँ से। सो इस टाइम जान लग रहे हम दुराड़ा से होके जाएंगे। पेवा से बहुत ही पीछे रह जाए क्योंकि हम गाँव में तो होकर निकलेंगे, बाकी आपको दिखाते हैं। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जय राम जी की। यो जो सीधा दिख रहा अपनी वो एक रास्ता जो हमें निकालेगा अरुणाय। ये इस टाइम हम दुराड़े के अंदर हैं, ये दुराड़ा, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही 15 की टॉप स्पीड पे। सीधा रास्ता जा रहा सीधे अपने लैफ्ट वगैरह का बंद रहेंगे यार, थोड़ा थोड़ा रास्ता। गाइस सुखी वाले मोड़ पहुंच चुके हैं जहाँ से ये नहरा वहाँ, ठीक है। ये बस ये रास्ता यहाँ से राइट साइड हो जाएगा। सो बाकी आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको, पहले नहर ही दिखाते हैं। ये नवे पुल बन गए हैं यहाँ, यानी ठीक है यार, चौड़े हो गए यानी पहला पूरे ने मैं घूमे एक गड्डी देखा। ओ भाई टूटे रास्ते बनेंगे यहाँ ने, मैं घूमे एक गड्डी मसाला की गड्डी। भाई साहब पबजी वाला नहीं बनाया दिया देख, यानी पहले पास करा रहे थे भाई, ये तो कद का बन गया। अरे वो पानी आया ना उन्होंने फाड़ दिया रास्ता, टूट गया था। फिर कह रहे भाई नवा पुल बनेंगे ना साइड में, धरते कह रहे भाई और तेन बाह फटाए नहीं हो। अरे बाह फटा यार, यो देखियो अगली सिद्धी पंजाब वही तो है रही है यार। यो भाखड़ा यो पर पटियाले ने कौन सा, वो संघू बॉर्डर पता नहीं ऐसा कुछ लगा। सो भाई साहब कम से कम बच रहा है रास्ता 12-13 किलोमीटर का बच रहा है, बाकी आपको आगे दिखाते हैं जैसे बढ़ता जा रहे हैं। मेरी स्टार्टिंग में देख लिया है आपने, पर इसमें भी धूल मिट्टी रुक नहीं रही है, धूल मिट्टी इसमें बहुत लग रही। तेल पाओ स्कूटी में है, तेल पहले। तो दिखाते हैं आपको आगे रास्ता, बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। है राहुल चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करा रहा, रुक जा रही चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय राम जी। देख लो भाई साहब किस तरह धूल उड़ रही, आते जाते तो हम नह का चलिया था मैं और लिबड़ लिया आते जाता तो अब देखो इन टॉप में लावा वो देख रहा है, आते जाते तो इन्हें लपेट दिए ट्रैक्टर वाले ने। ये देखो भाई पहुंच लिए हम थोड़ी देर में, बस यहाँ से कितनी दूर आ रहा है, 5-6 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से अरुणाय। मतलब ये सामने ही होगा चमक रहे मेरे ख्याल से, ही नहीं माना कोई सा अरुणाय क्योंकि मैंने दूसरा रास्ता बनने दूसरा रास्ता पता था ना, दूसरा रास्ता ही लेकर आया दूसरे ने। सो थोड़ी देर में पहुँच जाएगी बने रही हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। टन नहीं मैं ब्लॉग बना रहा तू कहाँ पाड़ दिए, रस्ता ही हो जा रहा इतना मैं पता देख, पर रहना है यो नहीं है ना टीगरी, टीगरी पड़ा वो पर देख साइड जी बने कर ब्रह जाला है रे डाई धूले उठनी है गाइस, धूले काट ले भाई अड्डी तो गड्डी ले रहा जितने उन मार दिए। ओ टीगरी ओ पर भाई साहब देखते हैं चलिए रहना है नहीं, मैं तो कह रहा यो नहीं है रहना इससे आगे जाएगा मेरे भाई है 3 किलोमीटर है ना 3 किलोमीटर है वही बात है तेरे भाई ने पता यार ते मेरा भाई कहाँ से हरना है। चलिए मिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ने निकल रहे गाइस, सड़क बहुत टूटी फूटी है तो फिर भी बहुत सही है कि सड़क मानी पहला मनु बनाया ही नहीं ब्लॉग क्योंकि फोन में कवर भी नहीं है छूट गया इसका हो जाएगा काम। अरे यार शॉर्टकट कह ले चल शॉर्टकट आओ तो स्पीड स्लो चल रहे जाए कर का नहीं पता चला मतलब। सो फाइनली रणाया का मंदिर मिल चुका है। ए ओ सामने दिख रहा
हल्का दिख रहे होगा इस टाइम तो, गौर नायक का मंदिर वीडियो देखो कैसी कैसी सड़क बने माने गौर से मैंने बाड़ ली देखी जाएगी आगे निकला गया नहीं। एक बंदे उसे सरदार जी ने पूछा था ओ पीछा खड़ा छोरा, बाकी देखते हैं अपना मैं निकट जाएगा ये रास्ता वो सीधा मंदिर है वहाँ से आपने दिख नहीं रहे इस टाइम पहुँच के दिखाते हैं जय भोलेनाथ की। जिस मंदिर का आपको वेट था मतलब वहाँ हम पहुँच चुके हैं जस्ट मारे थे 500 मीटर दूरी पर आ गया जब हम आए थे ना भाई सब यहाँ से भीड़ स्टार्ट थी यहाँ से झूले छोड़ सड़क पर चलने जगह नहीं थी मोटरसाइकिल वाह भाई साहब ठीक है। सो मंदिर हम पहुँच चुके हैं जस्ट 2 मिनट के बाद हम मंदिर के एंट्रेंस पहुँचेंगे। सो आपको दिखाते हैं दर्शन कराते हैं महादेव के जय भोलेनाथ जय श्री राम। गाइस ये है महादेव का मंदिर ले लिए साइड जी में। सो हम पहुंच चुके हैं मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ इस टाइम भी मतलब भीड़ तो नहीं कह सकते पर इस टाइम भी पब्लिक आ रखी है ये देखो वो खड़ी गड्डियाँ देखो कितनी। ये मंदिर है भाई और वहाँ शिव जी की वो देखो क्या बढ़िया मूर्ति ला रखी जय भोलेनाथ की। बाकी अंदर जाकर दिखाते हैं आपको वो बंद आया पार्किंग का सिस्टम है सारा इधर से है मेन गेट ठीक है तो इधर से एंट्री होती है भाई ये देख लो गेट नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे जो मेन उधर वाला द्वार वो करके बंद। सो अब चलते हैं इधर से पहला माथा टेका तो फिर देखते हैं बाद में वीडियो का। तो टाइम है मेन मंदिर के अंदर उधर तो शायद वीडियो बनाने मतलब बनाई भी नहीं करे करते हैं तो ना बना दे रहे थे मेरे ख्याल से। सो ये है जहाँ सीते वो एक साइड अमृत निकला था और एक साइड निकला था विष जो भोलेनाथ जी ने किया था ठीक है और वहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्ति भी है मत्था टेक लिया है। सो सारी जगह ये अंदर के मंदिर बाकी आपने बैक कैमरे के साथ दिखाऊँ बहुत अच्छा बना रखे हैं यहाँ एक तरफ दानव एक तरफ देव ये यहाँ से पूरी वो बना रखी है A to Z बहुत बड़ा मंदिर है बहुत अद्भुत मंदिर बाकी सब ने आना चाहिए भाई मत्था टेकन जय भोलेनाथ की। वो दर्शन करके हो चुके हैं फ्री ये एंट्रेंस है जब कोई त्यौहार होता है फेस्टिवल होता है तो परले वाली एंट्रेंस खुला बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कृष्ण जी की वो बन रही है जहाँ पे गोवर्धन चक्र रखा कृष्ण जी ने और यहीं इसी वो भी है नहाने का कुंड सा बन रहा है एक पूरा जिस तरह अमावस वगैरह ने मेरे ख्याल से ना ये स्नान करा कहीं ठीक है अपन इतनी वो नॉलेज नहीं है इस चीज़ की मतलब पर फिर भी थोड़ा बहुत तो पता ही आ। सो दर्शन कर लिए हैं बिल्कुल शांत माइंड हो गया खिंचानी पूरा फोटो तेने आई तेरे फोटो खिंचाओगे छोरा। सो हाँ यो ही तो वह मेन हाँ शिव जी का मुकुट हुआ। सो बाकी दर्शन कर लिए बहुत अच्छा लगे मन नु भी बहुत अच्छा फील होया ठीक है टेंशन सी कम हो एक हिसाब से अपना मंदिर में जाएगा मत्था टेकया भोलेनाथ जी भूल चूक माफ करना ठीक है नाइस। यो आज मेन गेट है यहाँ से पब्लिक यहाँ से जाएगा फिर यहाँ ने एंट्री हुआ मेन वाला गेट ये हुआ जो फिलहाल बंद कर रखा है उधर वाले गेट से एंट्री हो रही है सारी और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आवा भाई मंदिर का तो मैं थोड़ा पीछे आ गया यहाँ से सड़क का यहाँ से प्रॉपर ये व्यू है मंदिर का उधर साइड जो है यहाँ से ना उसके टाइम क्या हो गया एक बीटी होगी थोड़ी देर में सुनाऊंगा। तो यहाँ से चले एक आगा भी मंदिर आ उसमें भी देखेंगे जय कहेंगे मैंने सिर पर यही अपना परना ही बांध लिया था क्योंकि मंदिर में जा तो सिर ढके हुए होना चाहिए भाई ठीक है मतलब होना चाहिए सिर ढके हुए एक बार तो दो बार क्यों रिपीट करते हैं। ये जो पीछे एरिया दिख रहा है ना यहाँ से इन्हें जिगजैग करके वो बना रखी सीढ़ियाँ सी मतलब रेलिंग सी यहाँ ने भीड़ सारी मॉनिटर करी जा। सो और रहा वहाँ मंदिर उसमें चलते हैं दिखाते हैं आपको। सो ये वाला इस मंदिर में जाके दर्शन कराए वो शिव जी का उधर मंदिर ये मंदिर है शक्ति का शिव शक्ति मंदिर है यहाँ नंदी जी बैठे हैं और ये बड़ा त्रिशूल। सो अंदर हो रही है शक्ति की तैयारी चल रही है अंदर जय भोलेनाथ की भूल चुक हर हर महादेव। तो अंदर चल रही थी आरती की तैयारी
जो शिव जी का श्रृंगार हो रहा था, चाबी तेरे पास है नी, तेरे पास शिव जी का श्रृंगार हो रहा था, सो गेट लगा लिए थे जसमान कर सो वहाँ गेट लगा लिए थे, तो अंदर तो बिल्कुल जाकर दर्शन नहीं करे, बाहर ही मत्था टेक लिया शिव जी के मंदिर में, तो बाहर ही टेक के मत्था, शक्ति माता जी के मंदिर में अंदर हो जाएगा टेक का भाई मत्था, ठीक है। सो इब मत्था मुत्था टेक का फ्री हो लिए अपना, यो ले रहा लिमका, लिमका पी का फिर चला घर इनू, ठीक है। और तो क्या, बस यही ये दो मेन मंदिर है अरुणा का, मेन वाला मंदिर जो जोन साहब ने पहला देखा, यहाँ से शिव शक्ति का मंदिर, मतलब आए हुए श्रद्धालु यहाँ भी मत्था टेका, वहाँ भी मत्था टेका। सो यो जितना बाकी सारा एरिया दिख रहा है ना, ये वो तो सारा पार्किंग में भर जाए, यहाँ यहाँ से झूले वगैरह लगे वहाँ, झूले भाई यो भी झूले तो पर लगा मेरे ख्याल से, यहाँ से सारा पार्किंग पर जा, उधर साइड झूले बहुत लगा, मतलब बहुत तगड़ा मेला लगा पूरा, मेले पार्किंग वाला एरिया जंदे टाइम दिखावांगे, बट मेले में यहाँ से नंबर नहीं पड़ता, मतलब नंबर पड़ तो जा देखो, पर भीड़ बहुत होगा, कहने का जो तात्पर्य है भीड़ हो जा बहुत, सो बहुत लेट नंबर लगा, मतलब यहाँ से अगर उसके शिवरात्रि पावा या त्रोदशी कहते हैं उसको, हाय त्रोदशी पर यहाँ से मेला लगा बहुत तगड़ा, सो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं बहुत। एंड इस वाले ब्लॉग को थोड़ी देर में एंड करेंगे, फिलहाल तो आपनों वहाँ का वो दिखाऊंगे जहाँ मेला वगैरह लगा, ठीक है। सो पहला स्कूटी स्काटी स्टार्ट करा, फिर बनाते हैं ब्लॉग। सुगिरे सो ये वाला एरिया हो जहाँ से झूले वगैरह लगा, यो वाला गेट यो उस टाइम यहाँ से भी एंट्री होगा डायरेक्ट, मतलब यो आप दिख नहीं रहे होगा क्योंकि सूरज की लाइट इस साइड पड़ रही है, वो वहाँ से है ना, वहाँ गेट सारी पार्किंग है जो सगला किले, अरे यार यहाँ झूले भी लगाए यार, अरे झूले उसमें लगा किले में, और नहीं जब मेहर बार आए थे यहाँ झूले लगे करा थे, मतलब यो जी टी रोड सा ना यो जोन सा सारा उसके किलो भरे हुआ गड्डिया भाई गड्डिया दुकाना तो वहाँ लगा यार। सो यो वाला सारा यहाँ से साडा में गड्डिया ही गड्डिया हुआ भाई, वो वाला रोड भी पूरा भरे हुआ, वो सामने दिख रहा है आपने एक अल्टो सी गड्डी हो देखो वहाँ वाला यार सारा रोड भरे हुआ है वो इधर से उधर तक, ठीक है। बढ़िया तरीके दर्शन हो गए हैं, यो चंदन का तिलक भी करे माने वहाँ से, सो आप इधर नहीं जाना है नी गौर से होनी, सो बढ़िया तरीके दर्शन करे एंड अब जा रहे हैं घर। सो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेके भोले का नाम जय भोलेनाथ की, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपने देखने ने मिलेंगे जरूर। यो रेस क्यों नहीं ठहरी बिन्नी चकली। सो और भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आपने देखने को मिलेंगे अपने चैनल ने, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया व्यू है रहे हैं, जे पिछली वीडियो में देखा अपने चैनल पर बहुत सही एवरेज आ रही है व्यूज़ की, एवरेज हमारी स्कूटी की भी आ रही है, ठीक है। इसके दो डंडे रह गए देखो, पंचायत तो देवागी वैसे पंचायत देगी, हाँ सो दो डंडे पड़े हैं पंचायत देगी आराम से। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया ब्लॉग जरूर आपके उत्तर पाए करांगे, एंड एक और प्लान बन रहा है हमारा जाने का, मंगलवार को हम एक और जगह जाएंगे, ठीक है, जाएंगे इसने भी कह दिया जाएंगे, ठीक है। तो वो ब्लॉग भी आपने जरूर जब भी देखने नहीं मिलागा, बहुत बढ़िया लगेगा आपने, ठीक है। सो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। सो गाइस थोड़ी देर पहले बीटी हो गई थी, ठीक है, रास्ता देख रहे थे ऊंगा ऊंगा उंगलियां करका भाई साहब, यो चढ़ गई डोल पाम गिरने दे बच्चे पेट में, झटका दा गया, मतलब एकदम स्कूटी वो रोक ली थी मनु एकदम पकड़ दी एक हाथ में, तो योगी रहा डोल पा पूरी प्रॉपर एन खेत की, मैं स्कूटी पकड़ के खड़े रहे, मेरा फोन बजा दूर, मैं मतलब कि स्कूटी गिर लो ही था भाई साहब, मतलब उस तरह फूटने फटने दे बच गए, मैं स्कूटी पकड़ कर रुक रहा था, यो बजा पर जाएगा और मेरा फोन कहीं मैं कहीं। सो ओके रिपोर्ट है इस टाइम, ठीक है, ऑन द वे टू होम, बोलो हरिओम। लो करते हरियाणा।